तो जिस प्रक्रिया को आप आध्यात्मिक कहते हैं वो कोई मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है इसका आपकी यादाश्त से कोई लेना देना नहीं है यह प्रक्रिया जीवन की है यह अस्तित्व से जुड़ी प्रक्रिया है यह तभी हो सकती है जब आप खुद को बस जीवन का एक अंश बना लेते हैं ऐसा करने के लिए हम यहां कई चीजें करते हैं आपने यहाँ आश्रम में कई लोगों को नारंगी रंग के टैग लगाए घूमते देखा होगा आप वो साइलेंस टैग पहन लीजिए और बस चुप रहिए अपना मुंह बंद रखने से सिर्फ आधा काम ही होता है मौन होना तभी संभव है जब आप खुद को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हो अगर आप खुद को कुछ समझते हैं अगर आप सोचते हैं मैं स्मार्ट हूं तो आप चुप कैसे हो सकते हैं आप ही बताइए अगर आप सोचते हैं मैं स्मार्ट हूं तो आप चुप कैसे रह सकते हैं अगर आपको एहसास होता है कि आप असल में मूर्ख हैं आपको इस अस्तित्व में कुछ भी नहीं पता तब है ना तब आप जीवन को बड़े अचरज से देख सकते हैं मन में एक भी विचार आए बिना अगर आपको लगता है कि आप हर चीज के बारे में जानते हैं तो आपके दिमाग में एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन और बकवास चलती रहेगी अगर आप एक चीज देखते हैं तो हजारों विचार शुरू हो जाएंगे है ना आज आप इस सत्संग में पूरी तरह से मौन होकर नहीं बैठे हैं आप मुझसे सहमत हो रहे हैं असहमत हो रहे हैं अपने भीतर कमेंट कर रहे हैं अपने बगल में बैठे इंसान के कपड़ों पर कमेंट कर रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं उसकी बुराई कर रहे हैं सब कुछ चल रहा है क्या मैं गलत हूं think... क्योंकि जिस पल आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं वो महत्वपूर्ण है तब आप उसे रोक नहीं सकते उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है ये बस लगातार चलता रहेगा चलता रहेगा जब आपको एहसास होता है कि जीवन के संदर्भ में आपके विचारों की कोई कीमत नहीं है बस यादाश्त खुद को बार बार दोहरा रही है ये बस वही पुरानी बकवास है जो खुद को दोहरा रही है लेकिन अगर आप उत्साहित हैं अगर आप इस दोहराने से मोहित हो गए हैं अगर आप सोचते हैं कि यह बहुत शानदार है तो आप इसे नहीं रोक सकते अगर आप इसके पैटर्न्स को देख पाते हैं अगर आप इसकी मूर्खता को देख पाते हैं तब आप धीरे धीरे खुद को इससे दूर कर लेंगे और यह ढह जाएगा क्योंकि बिना ध्यान दिए यह जारी नहीं रह सकता